हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल स्टैंड के बारे में, जो मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो पहले मैं ट्राइपॉड मोबाइल स्टैंड जो अमेज़ॉन पे मिलता है उसे यूज़ कर रही थी, बट उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें आई। वो वाले स्टैंड अगर आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हो खुद को तो ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि ड्राइंग और क्राफ्ट या फिर खाना बनाने वाली वीडियो में कैमरे का एंगल हमको ऊपर से लगता है, तो सीधा एंगल अगर ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता तो वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं होती। तो ट्राइपॉड जैसी चीज़ें ये कर नहीं पाती, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये वाला स्टैंड मिला जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बॉक्स में आती है ये सारी चीज़ें, जिसमें बेस के लिए ये आता है जो आपको टेबल से जुड़ाएगा, फिर ये मोबाइल होल्डर आता है जिसमें आप मोबाइल टैब फंसा सकते हो, फिर आती है ये छोटी सी लाइट, और फिर ये मेन स्टैंड आता है। तो हम देखेंगे कि इसका बॉक्स कैसा है। तो इसका बॉक्स देख सकते हैं आप, इसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़राब है, पर इसमें से स्टैंड अच्छा निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि आप टैब, आईपैड, मोबाइल सब इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो अब दूसरी तरफ हम देखें तो इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे इस स्टैंड को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि आप कैसे इस स्टैंड को नीचे बेस में लगा के फिर ऊपर पूरा जोड़ सकते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको उस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको जोड़ना कैसे है ये भी दिखाऊंगी। तो इसमें ये जो पहले बेस वाला पार्ट है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पोर्शन है, सिल्वर कलर का रॉड है, तो वो जो अपना टेबल टॉप होता है उसमें ये हम फिट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम टेबल के साथ फिट करेंगे फिर ये स्टैंड हिलेगा नहीं। तो इसको ऐसे रॉड को घुमाना है हमें ताकि इसको लूज कर सके। अभी उसमें टेबल को फिट करने की जगह नहीं है, जैसे ही हम इसे घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे गैप तैयार हो जाएगी। तो इस गैप में आपका जितना मोटा टेबल है उतनी गैप बना के आप उसको टेबल के साथ जोड़ सकते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको टाइट कर सकते हैं ताकि आपका स्टैंड जो है वो हिले ना। आप देख सकते हैं अभी काफ़ी मोटा टेबल इसमें हम फिट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा गैप उन्होंने दी है। तो इस प्रकार आप इसको अपने टेबल के साथ फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो ये मोबाइल होल्डर है, तो अब ये जो मोबाइल होल्डर है इसमें हम मोबाइल टैब कुछ भी फंसा सकते हैं। पीछे की साइड स्क्रू है जहाँ पे हम इसको फिट करेंगे, और इसको साइड से हम देखेंगे ये ऐसे फ्लेक्सिबल है तो हम अपना मोबाइल आराम से इसमें फंसा सकते हैं। काफ़ी टाइट है तो मोबाइल गिरने का टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये मेरा मोबाइल है, मैं इसमें फंसा रही हूँ। तो ऐसे आपको मोबाइल एक साइड से इसमें फंसाना है और आप देख सकते हैं एकदम फिट आ जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं आती। और अब ये देखिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर भी ये गिरेगा नहीं, देखना। तो मेन अपना कंसर्न यही होता है कि मोबाइल स्टैंड को लगाने के बाद गिरे नहीं। तो काफ़ी मोबाइल होल्डर आते हैं जो लूज पड़ जाते हैं मोबाइल के हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छा है। बस अपनी उंगलियाँ संभल के, क्योंकि ये अचानक से लग सकता है उंगली को जब हम इसको अनस्ट्रेच करते हैं। तो इसके बाद हम इन सबको अपने मेन स्टैंड से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेन स्टैंड है, तो ये मेन उसकी बॉडी है जिसको हम फ्लेक्सिबली ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपको कितनी दूरी से वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उस प्रकार आप इस स्टैंड को घुमा सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आप देख सकते हैं, मैं पूरा स्ट्रेच कर सकती हूँ। तो अभी यहाँ पे दो साइड में आपको दो रॉड्स दिखाई देंगे, एक साइड सिल्वर कलर का है गोल रॉड और दूसरी साइड है अपना ब्लैक कलर का। तो ये दोनों चीज़ें ये बेस और मोबाइल होल्डर को टिकाने के लिए बनाई है। तो इसमें देखिए, हम पहले बेस फिट करना कैसे वो देखते हैं। तो ये जो बेस है इसमें साइड में स्क्रू है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, तो इसको हमको स्क्रू को निकाल लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें ये रॉड जो है ये इसमें डाल दे दिए। अब इस स्क्रू को हमको फिट करना है, जैसे ही हम ये स्क्रू इसमें फिट कर देंगे टाइट तो ये इसके साथ पैक हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये यहाँ पे जुड़ गया है, अब अपन वो साइड टेबल को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ साइड गोल है,
तो इसमें अपन ने यहाँ पीछे साइड एक स्क्रू की जगह देखी थी, तो इसको हम निकाल लेंगे पहले ही। तो ये जो ऊपर का ढक्कन है इसको निकालना है, और उसके बाद ये अंदर आपको गोल की जगह दिखेगी। तो अभी ये इसमें मैं ये स्क्रू डाल रही हूँ, ध्यान में रखना कि जो ऊपर की साइड थी स्क्रू की वो वैसी वैसी बाद में भी ऊपर में आनी चाहिए, तो वैसे ही डालना है। फिर ये जो बॉल है उसको वो एम्प्टी स्पेस में हमको अच्छे से बैठाना है, तो ज़्यादा जोर भी ना लगाए कि वो प्लास्टिक टूट जाए, आराम से उसको फिट कर देना, वो आराम से आ जाएगा। फिर ये स्क्रू ऊपर से उस पर पैक कर देना है, फिर आप देख सकते हो ऐसे इसको पैक कर देना है। और ये स्टैंड हमारा अभी पूरा रेडी हो गया है, डायरेक्टली हमको इसे टेबल में लगाना है, ऊपर अपना मोबाइल लगाना है, और हम इसको जैसे अपना मन चाहे एंगल में बिठा के अपना वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा स्टैंड है, अगर आप ड्राइंग या कुछ आर्ट वाली वीडियोस बना रहे हो, या खाने वाली वीडियोस बना रहे हो, कढ़ाई में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके साथ और ये छोटी सी चीज़ भी आती है लाइट, जो काफ़ी पसंद आई मुझे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, एक्चुअली वहाँ पे लिखा ऐसा नहीं था, तो अपने आप आ गया है ये। तो ये अपने यूएसबी लाइट है जो कीबोर्ड के लिए आती है, जैसे आपकी लाइट या कुछ चला जाए, आपको कीबोर्ड नहीं दिख रहा रात में, तो आप इसको साइड में लैपटॉप में अटैच कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आप यहाँ पे मैं लगाऊंगी, अगर आपका कीबोर्ड को बैक लाइट नहीं है तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, फ्लेक्सिबल होती है, और आपका कीबोर्ड आपको अच्छी तरह से दिखने लग जाएगा। तो फ्री की है, काफ़ी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। तो अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैं इसके साथ और ज़्यादा वीडियो बना रही हूँ। तो इस प्रकार ये स्टैंड आता है, ये छोटा सा गिफ्ट भी आता है उसके साथ, तो मैं तो रेकमेंड करूँगी, काफ़ी अच्छा स्टैंड है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया है अमेज़ॉन से, आप चेक कीजिए, आपको पसंद आए, आपको अगर ज़रूरत है इसकी तो इसको ज़रूर आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्राफ्ट वाली, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम।